खूबती रणभेरी सुदेश पर एतबार बनाएंगे इस बार गांव की सरकार तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू स्थित ताऊ मैदान में आसू की चुनावी सभा में उमड़ी भीड़। सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से आए आसू कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जनादेश आशीर्वाद यात्रा की चुनावी सभा में कहा कि इस माटी की राजनीति को चलाने की ताकत हमें है, हम किसी की सहयोग नहीं लेंगे, खुद झारखंड को संवारेंगे। झारखंड की जनता कभी जमीन और जमीर नहीं देगी। हमारा संकल्प है तमाड़ के दोनों ब्लॉक भवन का निर्माण कराना। कांची नदी और करकरी नदी का पानी तमाड़ की जनता के खेतों में पहुंचाने का काम आसू करेगी। हर खेत तक नहर का पानी पहुंचेगा। बुंडू तमाड़ और अड़की को पंजाब हरियाणा की तरह हरा भरा बनाएंगे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तमाड़ में इस बार आप लोग एकजुट रहिए और राम दुर्लभ सिंह मुंडा को तमाड़ से जिताने का काम करें। चुनावी सभा में आसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, तमाड़ विधानसभा प्रत्याशी राम दुर्लभ सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा पूर्व डीडीसी डोमेन सिंह मुंडा, प्रमुख परमेश्वरी सांडे, खूटी से सुधा मुंडू, आसू जिला अध्यक्ष रमनी बाला, जिला परिषद उपाध्यक्ष पार्वती देवी समेत कई कार्यकर्ता और दूर दराज के महिला पुरुष हजारों की संख्या में उपस्थित थे। सोना न्यूज बुंडू से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। चाहे वो यूपी बॉर्डर में जावा, हुसैनाबाद से लेके पाकुड़ से लेके जामताड़ा से लेके पूरा प्रदेश में केला कर बगान सहित जाए, सब ठीक केला लग जाए। एक तरह से कहल जाए तो केला कर कांधी जैसा हो ना, केला कर कांधी कर आंधी आ जाए और बाकी पार्टी यहां से गायब हो जाते। कई एक पार्टी है कन्यादान जैसे करी ले वैसे मतदान हुए ला, बेटी दान करी ली वैसे मतदान भी हुए ला। बेटी दान करने के समय में आप लोग कहते हैं कि जिसके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं उसका चाल चलन और चरित्र ठीक है कि नहीं है, ये जरूर पूछते हैं आप लोग। इसका चाल चलन, इसका व्यवहार, इसका चरित्र और सही माने में जिसको हम बेटी देंगे वो मेरी बेटी को बढ़िया से रखेगा कि नहीं रखेगा, ये हम लोग बेटी दान करने के समय सोचते हैं। ऐसे ही मतदान भी है, मतदान के समय भी हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको चुन रहे हैं वो सही माने में घर को, हमारे इलाके को, हमारे अरमान को, हमारे सपना को पूरा करने लायक है कि नहीं है, इस बात को परख करके ही हम लोग को मतदान करना चाहिए। आपका घर का बेटा राम दुर्लभ सिंह मुंडा, जो हमेशा आप लोगों के हर सुख दुख में और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहा है, हम फिर से यही कहेंगे कि आप लोग आने वाला चुनाव जो आप लोगों के बीच में होने जा रहा है उसमें उसी प्रकार आसू पार्टी को आप लोग सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक पूरे झारखंड में चुनाव लड़कर हम लोगों का मुख्यमंत्री आदरणीय सुदेश कुमार महतो बने, यही मैं अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। गंडके जोड़ पूरा झारखंड देनी पड़ते, ऐसा क्लब बनाएंगे, ऐसा तैयारी करेंगे, वो हॉकी में भी,
फुटबॉल में भी करेंगे और आर्चरी को भी आगे बढ़ाएंगे, स्पोर्ट्स में भी हमारा बुंडू राजधानी का नाम आगे बढ़ेगा, कमाड़ का नाम आगे बढ़ेगा, ये तैयारी आप लोग करेंगे। तैयार है ना स्पोर्ट्स मैन फुटबॉल के लिए? खाली लटकिया फुटबॉल खेलवे की आगुदगो ये थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में झारखंड के बाहर केवल झारखंडियों को उसमें जगह मिलेगा, दूसरा कोई उसका हकदार नहीं होगा, झारखंड के लोगों को उसका हक मिलेगा। उठाई के तमारे के लोगे बसाई दलते हैं, ये तो जादू है तमार का, ये तमार का ताकत है, जमीन को ताकत है, राज तिलक को दे तो, लेकिन राज तिलक को वसूल का पालन ना किया तो जमीन में उतार के रख देगा पंच प्रगना का, ये ताकत है। सुरक्षित रखवाई जवाब नहीं आपका है तो ऐतिहासिक वोट होना चाहिए ना, ऐतिहासिक वोट है ना दीदी, होगा ना। लेकिन आज कर मीटिंग बड़ा संकल्प है, पहले हमारा एक उत्तर घर पर जब तैयारी प्रारंभ कर रही तो पर हमारा कर मनमान रहे कि तमाड़ वहां एक विधायक होना चाहिए, एक बार लेके लगातार दो तीन डे चुनाव तक हमारे प्रतीक्षा करे हल, लेकिन प्रतीक्षा जब समाप्त हो चौदह महल पहली बार बगान साज लोग, लेकिन चौदह ने 19 तक कहीं ना कहीं जो सपना था हमारे हर परिवार आज सु पार्टी के प्रतिनिधि के ऊपर देखो रहा वो सपना का हमारा साकार नहीं है पाते, निश्चित है काम हमारा बढ़ा लियो, लेकिन जे काम तक उद्देश्य रो है वो काम का हमारा पूरा नहीं है पाते। आज ही पंच प्रोग्ना केवल वोट कर खाते नहीं बल्कि तोरक बेटा ही अपन पीछे तक का प्रतिनिधि तोरक बीचे राम दुर्लभ मुंडा को रूप महान तोरक बीचे आवला, ये राम दुर्लभ मुंडा के आशीर्वाद मांगे चलते सुदेश मातो तोरक बीचे आए कि राम दुर्लभ मुंडा के हम सबके सहयोग और आशीर्वाद देवे के दरकार है, को लगे इधर लेकिन इधर नहीं पाया ना विकास हो पाया, विधायक का नाम भी विकास उठाइए आगे उठाइए, परिस्थितियाँ बदली नहीं। एक बार फिर आप केला बगान सजाने की बात कर रहे हैं, काहे करते हो? ये मेरा घर है सब और यहाँ के लोगों का अपार जनसमर्थन पार्टी को प्राप्त है, यहाँ कैंडिडेट कभी भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, यहाँ पार्टी के प्रति निश्चित रूप से 5 साल में जो उम्मीदें पार्टी को था जनसेवा के लिए वो प्रतिनिधि को जनसेवा पब्लिक को नहीं दे पाए और ये एक अधूरा काम हमारा शेष रह गया, पार्टी का दायित्व शेष रह गया। पार्टी की पूरी तैयारी है कि इस क्षेत्र के जनसाधारण की सोच को और उनके विकास की अवधारणा को हम जमीन पर उतारेंगे और राम दुर्लभ जी उसका नेतृत्व करेंगे। प्राथमिकताएं क्या होंगी? आपने कई किसान प्रधान क्षेत्र है और यहाँ के किसानों ने खुद को साबित किया है, अभाव के बावजूद लोगों ने एक उत्कृष्ट रूप से खेती के कई उदाहरण तमाड़ आसपास के क्षेत्रों में बुंडू आस पास के क्षेत्रों में दिया है। हमारी तैयारी है कि पूरे तमाड़ बुंडू और इसके साथ साथ सोनातु राहे इच्छागढ़ तक ये कांची बेसिन के पानी का और हमारे उससे नीचे जो हमारा डोमड़ा बेसिन का पानी है इसका सदुपयोग हम करेंगे और एक एक खेत तक पानी जाएगा और यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राज्य में आंसू की स्थिति को किस तरह देख रहे हैं? राज्य में बड़े दिनों के बाद इस पार्टी के विश्वास को फैलने का अवसर मिला है और इसी का नतीजा है कि राज्य के कई सामाजिक राजनीतिक बड़े चेहरे पार्टी के साथ जुड़ के पूरे राज्य भर में पार्टी को नेतृत्व देने की तैयारी कर रहे हैं। आपने एक बात का जिक्र किया कि इस बार सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग लेकर सरकार बनाएंगे। जिस रूप से पार्टी की तैयारी चल रही है ये अभी कहना बड़ा जल्दीबाजी होगा कि कई लोग सहयोग करेंगे बात करने लगते हैं। हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास, आजसू पार्टी को वोट दें, अब की बार गांव की सरकार।